गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इंग्लिश सेकेंड क्लास इंग्लिश. सो टेक आउट योर टर्म 3 एंड आवर सेकेंड लेसन नेम इज द शूमेकर एंड द इविल्स. शूमेकर एंड द इविल्स. नाउ मैच दिस पिक्चर विद द नेम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शूमेकर? शूमेकर मीन्स जो जूते बनाते, जो प्रिपेयर करते. शूज़ क्या करते? प्रिपेयर करते. मोची जो रहता है उसको क्या बोलते? शू मेकर बोलते. एंड द इविल्स, इविल्स जो हेल्प करने वाले रहते वो लोगों को इविल्स बोलते. सो फर्स्ट लुक एट द पिक्चर, मैच दिस पिक्चर विद द नेम्स. ओके, फर्स्ट वन इज, what is the name of shoes? This is a boot. So here to here, this is a shoes and this is a slipper and this is a sandal. So shall we start our lesson? Long ago there lived a shoemaker. बहुत ज़माने पहले एक मोची रहता था. His name was Adil. His name of Adil. क्या नाम था उसका? Adil. His wife name was Sia. और इसकी wife का नाम क्या नाम था? Sia नाम था. One day Adil was making shoe. एक दिन क्या हो रहा था? Adil क्या है? Shoes बना रहे थे. His wife entered the room. वहाँ पर room में कौन आए? उनकी वाइफ आई. शी आस्क्ड हिम वाई इज वॉज लुकिंग सैड. कौन पूछे? सिया आदिल को पूछे, आप क्यों सैड मीन्स गमगीन क्यों दिख रहे? आदिल आंसर्ड, दिस इज ए लास्ट पीस ऑफ लेदर. ये क्या है? मेरे पास जो चमड़ा रहता है ना, शूज़ बनाने का चमड़ा, एक ही पीस बचे हुआ है मेरे पास. वी have no money left. और ख़रीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं अपने के पास. बल्कि सिया को आदिल बोले, वी विल हैव टू गो हंग्री नाउ. अपन क्या है? भूखे रह जाना पड़ता. अगर अपन अगर चमड़ा रहा तो अपन लेदर रहा तो अपन क्या कर सकते? शूज़ बना सकते. शूज़ बना के उसको सेल करें तो अपन को मनी आती. जब अपने पास पैसे ही नहीं हैं तो लेदर भी नहीं खरीद सकते अपन, शू भी नहीं बना सकते. सिया सेड, God will help us. सिया said, अल्लाह हमारी मदद करेगा. Don't do worry dear. परेशान मत हो. कौन बोले ये? सिया बोले. So turn the page. Page number 20. आदिल ए सैड आदिल वेंट टू बेड. उन्हें गमगीन होते हुए, अब मेरे पास पैसे नहीं है, लेदर भी नहीं है बोले थे, वे उन्हें क्या करे? बेड पे जाके सो गए. When he woke up the next morning, उन्हों क्या करे? दूसरे दिन सुबह सुबह उठे. He got a wonderful surprise. वो लोगों को क्या आया? Wonderful surprise मिला. He called out to Sia. उन्हें सिया को पुकारने लगा. सिया come out. बल्कि सिया looked a new pair of shoes. वो लोगों को क्या दिखा? वो लोगों को a new pair of shoes. Carried out आदिल. सिया पिक देम अप एंड सेड, दे आर ए ब्यूटीफुल. उसको क्या करे? वो शूज़ को उठाए और देखे बहुत ही ब्यूटीफुल है. बल्कि सिया बोले, आई नो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. सिया क्या बोलने लगे? मेरे को मालूम था कि हर चीज़ सही हो जाती. बल्कि मैं आपको गॉड मदद करने वाली है अपनी बोल के बोली थी मैं. बल्कि किसको? आदिल को बोले. आदिल sold these shoes and brought leather with the money. आदिल क्या करे? वो शूज़ को बेच दे. जो न्यू पेयर आया था ना घर के सामने, न्यू पेयर जो रखे हुआ था ना वो घर के सामने, सरप्राइज़ खोल के देखे तो क्या था? शूज़ था. वो शूज़ को क्या करे? सोल्ड करे मीन्स बेच दिए. उससे क्या आती? मनी आती. वो मनी से क्या खरीदे? उन्हों लेदर खरीदे. ही कट लेदर फॉर टू पेयर्स ऑफ शूज़ डेट नाइट. उन्होंने क्या करें?
दो पेड्स शूज़ बनाने के वास्ते लेदर कट करे. देन ही वेंट टू स्लीप, कट करने के बाद उन्होंने क्या करे, सो गए. इन द मॉर्निंग व्हेन ही वोक अप ही फाउंड देम स्टिच, उन्हें सोने के बाद मॉर्निंग जब उठे तो वहाँ पर क्या मिला, जो लेदर हम कट करके रखे थे शूज़ बनाने के लिए वो ऑलरेडी सिए हुए रखे हुए है. द नेक्स्ट नाइट आदिल लेफ्ट लेदर ऑफ 3 pairs ऑफ शू, एक दिन क्या करे उन्हों 2 pairs ऑफ शूज़ को कट करके रखे, सुबह उठे तक 2 भी सिले हुए थे. दूसरे दिन रात में क्या करे उन्होंने 3 pairs ऑफ शूज़ को भी लेदर कट करे. देन 4 pairs एंड सो ऑन, एक दिन 3 कट करे एक दिन 4 कट कर रखे. एवरी मॉर्निंग ही फाउंड द लेदर स्टिच इन टू द शू, तो वो 3 जिस दिन कट करे उस दिन भी शूज़ सुबह में रेडी बने हुए थे, और 4 भी कट करके रखे तो वो शूज़ भी स्टिच करे हुए थे. ए फ्यू डेज पास्ट आदिल एंड सिया बिकम टू वंडर हु वॉज मेकिंग द शू, दोनों क्या बोले ये वंडर कमाल कहाँ से हो रहा, कौन सी रहे हमारे शूज़ हम कट करके रख रहे, मगर सुबह उठे तक वो सिए हुए रहे शूज़, तो वो कौन कर रहे, बल्कि वो लगा सोचने लगे. दे वॉन्टेड टू थैंक देर इनविजिबल हेल्पर्स, जो हमारी को सामने नहीं दिख रहे फिर भी हमारी मदद कर रहे, वो लोगों से उलाना क्या थे थैंक्स बोल रहे थे. इनविजिबल जो नहीं दिख रहे थे फिर भी इनकी मदद कर रहे थे, वो लोगों को थैंक्स बोल रहे थे. सो दे डिसाइडेड टू हिड बिहाइंड द डोर डेट नाइट एंड फाइंड आउट हु देर फ्रेंड्स वेर, ये लोग क्या करें डिसाइड करें कि रात में हम नहीं सोएंगे और एक डोर के पीछे छुप के ठहरेंगे, और कौन आते हमारे घर पे आके और हमारे शूज़ कौन सीते और कौन हमारे फ्रेंड्स है बोल के वेट करेंगे, बोल के दोनों भी सिया एंड आदिल डिसाइड करें. ओके स्टूडेंट, आई विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. बाय.